हेलो गाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। गाइज, आज मैं सुबह से ही नहाकर रेडी हो गई हूँ। बाकी काम तो वैसे ही करने को है, पर पहले बोलते हैं ना, पेट पूजा फिर काम दूजा, तो इसलिए मैं कर रही हूँ पहले खाना बनाने का काम और फिर अब उससे बात करूँगी घर का काम। तो आप साथ में बने रहना और अब चलती हूँ। पहले सबसे पहले मैं तो सब्जी काट लेती हूँ और आज मैं घिया की सब्जी बनाऊँगी क्योंकि राजे की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सब्जी ठीक होती है, हरी भी होती है और गर्मियों में ठंडी जैसी भी होती है। और वो घिया मतलब लौंकी बोलते हैं जब लोग, तो हमारे तो घिया ही बोलते हैं, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि लौंकी की सब्जी। तो मैं उसको बना रही हूँ और देखती हूँ अगर आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकती हूँ कि नहीं। पर यह है कि आज मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली छोटी छोटी लाई हुई फ्रेश फ्रेश, और ये वाली देखना बहुत, ये बनाऊँगी मैं। और आज की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब उसको कल भी ऐसे ही जुकाम बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा ऐसी घबराहट सी होती रहती। फिर मुझे सब माँ को अपने बच्चे के लिए ऐसी होती रहती है। और मेरे घर के आयुर्वेदिक भी बना के दी थी इसको, तो आपके साथ मैं कभी वो भी शेयर करूँगी कि घर में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम बनाते हैं घरेलू किचन की में पड़े होते जो कुछ भी, और वो मैंने इसको बना के दी थी शहद के साथ, तब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है उसको हल्का सा। तो चलो अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ और अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी और काम कर लेती हूँ। तो आपके साथ मेरे साथ बने रहना और वीडियो को आप फुल वॉच कर लेना। राजीव का मन नहीं लग रहा था, ये बीमार था, हल्का हल्का सा कहीं भी मन नहीं लग रहा था। बोलता मम्मी मैं आपकी गोद में रहता हूँ, तो मेरे बालों के साथ ऐसे ही खेल रहा था। पर खेलते खेलते ही इसने एक दो बार कंघी की ऐसे नीचे को और फिर से बहुत अच्छी बनाई। फिर एक दो बार तो उससे गलत बनी, फिर मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर से बन रही रहा, लड़की की तरह काम करने लगा हुआ। और बाद में इसने इतनी अच्छी चोटी बनाई मेरी, बहुत ही अच्छी बनाई और मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे हंसी भी आ रही थी इसकी। बार बार मैंने एकदम से शूट कर दिया कि मैं ना शूट करूँगी, बोले तो मम्मी वीडियो में नहीं दिखाना, और फिर भी ये एग्री हो गया, चलो दिखा देना मम्मी जी, कोई बात नहीं। एक बार देख तो सही, दिखा कैसे बनाई। आगे का दिखा। तो गाइस आप बताना मेरे बेटे ने कैसी मेरी चोटी की है। तो गाइस बताना मेरे राजीव ने मेरी चोटी कैसी की है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है। और आजकल तो ऐसे ही बाल इकट्ठे करके रखने चाहिए क्योंकि गर्मी लगती है, और मेरे को तो ऐसे आदत है कि मैं बाल खुले ही रखती हूँ, और इसलिए मेरी चोटी बना दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप बताना आपको कैसी लगी। मैंने तेल रख दिया था तड़के के लिए, फिर इसमें मैं जीरा डाल दिया मैंने, मुझे जल्दी भी हुई थी इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बनाई है घिया की सब्जी। तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, हरी मिर्ची भी डाली थी मैंने इसी टाइम इसमें काट कर, और मैंने इसमें हल्दी नमक वगैरह डाल दिया था सारा कुछ। उस टाइम कैमरे का बटन ऑन ही करना रह गया शायद, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर बाद में एक जब मैंने चेक किया तो कैमरा बंद था,
तो अब मैं इसमें डाल दूंगी लास्ट में एक किचन किंग वाला, जो मैं हमेशा अपने किचन में हर एक सब्जी में यूज करती हूँ। और अब इसमें टमाटर डाल दूंगी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। इसमें जब ये पक जाए तब तक मैं ढक्कन रख दूंगी और उसके बाद मीडियम आंच पे तड़के को पकाना चाहिए, ना तेज ना सिम पे, फिर टाइम लगता है। टमाटर को तो ऐसे भी टमाटर टाइम लगता है। और फिर दो तीन मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो टमाटर और मसाला ऐसे मिल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी घिया की सब्जी और उसके बाद हम गैस को मीडियम से भी थोड़ा सा कम गैस पे जलाएंगे मीठी मीठी आंच में। और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी बहुत ज़्यादा। और आज बहुत दिन के बाद बहुत बारिश हो रही है, थैंक यू भगवान जी आज आपने बारिश की। और आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, बहुत खुश हूँ आज मैं। बहुत गर्मी हुई थी, बहुत परेशान हुए थे हम बहुत गर्मी में।